आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेंगे बात। नमस्कार, मैं सुभांशी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव स्पेशल टास्क फोर्स। उत्तर प्रदेश लखनऊ को अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों की सूचनाएं प्राप्त होती है। अधिक सूचना संकलन के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर एसटीएफ ने तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दो तस्करों को गिरफ्तार कर साथ ही 978 किलोग्राम गांजा अनुमानित मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही एसटीएफ ने सफलता प्राप्त की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनपद चंदौली के थाना अली नगर क्षेत्र अंतर्गत चकिया चौराहे के पास एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से सीमांचल के लिए विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधी तस्करों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में अभी सूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। अभी सूचना संकलन के दौरान आरक्षी पुलिस अभय कुमार सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के जरिए मुखबिर की सूचना मिली कि एक कंटेनर ट्रक में भारी मात्रा में गांजा बिहार की तरफ जीटी रोड से लाया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए निरीक्षक पुनीत परिहार के नेतृत्व में निरीक्षक अरविंद सिंह की एक टीम गठित कर नार्कोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर जनपद चंदौली के थाना अली नगर क्षेत्र अंतर्गत चकिया चौराहे के पास दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें उपयुक्त बरामद सामान किए गए। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि बरामद कंटेनर नंबर UP-21-83-13 सहनवाज निवासी नीली खेड़ी थाना डिगरौली जनपद अमरोहा का है। मृतक कंटेनर ट्रक में गांजा छुपाकर तस्करी का काम किया जाता है। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर।